जलंधर वैस्ट विधानसभा सीट तो होने वाली जिमनी चोण लई आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत को उम्मीदवार बनाया है। भगत ने 2022 जलंधर पच्छमी तो भाजपा के टिकट से चोण लड़ा सी। जलंधर पच्छमी विधानसभा सीट से 10 जुलाई को जिमनी चोण होगी। यह सीट शीतल अंगुराल के अस्तीफे तो बाद खाली हो गई सी। अंगुराल इस सीट तो आप दी टिकट से चोण जीते सन, पर लोग सभा चोणा तो कुछ समा पहला वह भाजपा च शामिल हो गए और अस्तीफा दे दिता। वोटिंग तो बाद अंगुराल ने अपना अस्तीफा वापस ले लिया, पर इस तो पहला विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने अस्तीफा प्रवान कर लिया। इस संबंधी नोटिफिकेशन की कापी विधानसभा सकत्तर वालों पंजाब के मुख चोण अधिकारी सिविंसी नू भी भेजी गई सी, जिस विच जलंधर पच्छमी 34 नंबर सीट 30 मई 2024 तो खाली दिखाई गई सी। अस्तीफा वापस लैण तो पहला अंगुराल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट तो मोदी के परिवार का टैग हटा दिता सी, जिस कारण उन्हां दी वापसी दियां अटकलां लग रही सन। अंगुराल ने कहा कि वह अस्तीफा स्वीकार करन दे फैसले नूं चुनौती देणगे। इस दे लई वह जल्दी ही पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुँच करनगे, पर हुण चोण कमीशन ने विधानसभा सीट ते उपचोण दा ऐलान कर दिता है। भारतीय जनता पार्टी ने जलंधर पच्छमी उप चोण लई शीतल अंगुराल नूं अपना उम्मीदवार ऐलान दिता है। जलंधर पच्छमी जिमनी चोण दा नोटिफिकेशन 14 जून नूं जारी किया गया सी। नामजदगियां दाखिल करन दी आखिरी मिति 21 जून है। नामजदगी पत्रां दी पड़ताल 24 जून नूं होवेगी। नामजदगी पत्र वापस लैण दी आखिरी मिति 26 जून है। 10 जुलाई नूं वोटां पैणगियां ते 13 जुलाई नूं गिणती तों बाद नतीजा ऐलानिया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।